प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के तहत गरीब और असहाय लोगों के बीच रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से कई तकनीकी जानकारी दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। डॉक्टर पीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से इस कौशल विकास योजना की कार्यशाला के समापन के अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। सारी चीजें उसमें दिया हुआ है, सारा आप लोगों को पता भी होगा।
इन सारी चीजों पर ध्यान दें। फेसबुक अगर आप चलाते हैं फेसबुक पर, खास करके लड़कियों के लिए, अगर हम अपना फोटो किस सोशल मीडिया में डालना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट जितने आपके फ्रेंड्स हैं उसमें डालना चाहते हैं या सोशल मीडिया में डालना चाहते हैं, किसमें डालना चाहते हैं, ये सब अपना सेव करके रखिए, क्योंकि एक लापरवाही हम लोग का लाइफ बर्बाद कर सकता है और समाज में लड़कियों को बदनाम होने में समय नहीं लगता है। तो चलाना अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहें और हमेशा सचेत रहें। बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं, अभी आप लोग देखी होंगी कॉमन सिक्योरिटी करके ऐप्स आया हुआ है, जो भी स्मार्टफोन चलाते हैं उसको अपने फोन में डाउनलोड जरूर करें, जो इसमें जरूरी नंबर हो उसको सेव जरूर करें। तो ये सारी सावधानी है और ये अच्छा मौका है हमारे सरकार की तरफ से आप लोग को मिला हुआ है, क्योंकि सबको नसीब में नहीं है कि सब लोग इस तक पहुंच सके। तो ये सरकार उपलब्ध कराई है कि नहीं गरीबी अमीरी सब कुछ मिट सके, सब लोग इसको पढ़े जाने, सभी बच्चे आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें आप लोग को करना है। आप लोग को एक बार तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग यहाँ तक पहुंचे और इसके और सेकंड बैच में से थॉपर हमारी है निशा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और ब्यूटिशियन का जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जनवरी बैच के लस्टर और का प्रोग्राम प्रमाण पत्र सह सम्मान समारोह का था और ये 2016-17 में हमारे डीटीपी और केवाईपी के बच्चे जितने भी थे उन सभी को सर्टिफिकेट प्रमाण और सम्मान दिया गया। आज इसमें हमारे डीटीपी के बच्चे जो कि 6 महीने तक डीटीपी का कोर्स किए हुए थे, साथ में ब्यूटिशियन की वो लड़कियां थी जिन्होंने कंप्यूटर के साथ साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया है, और साथ साथ कुशल युवा प्रोग्राम के तहत हमारे चल रहे हैं जितने भी पास आउट बच्चे थे उन सारे को सम्मान किया गया और सर्टिफिकेट मोमेंटम सील किया गया। तो सर अगर जैसे कि मैंने ऊपर सुना कि SC ST के जो चल रहा है तो क्या रिजल्ट में भी आरक्षण मिलना चाहिए? सर रिजल्ट में कोई आरक्षण नहीं है, केवल इसमें जॉब के लिए जो रोजगार दिया जा रहा है उसमें केवल जो लोन मिल रहा है उसी में केवल आरक्षण है, ऐसा सर्टिफिकेट में कहीं आरक्षण नहीं होता है। हाँ वो तो सर है, लेकिन ज्यादातर मान लीजिए सर जनरल कैटेगरी का कोई लड़का होता है तो उसका अगर 70% भी रहता है तो सर उसका नहीं हो पाता है। हमारे सर्टिफिकेट में बिहार सरकार के और भारत सरकार के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि आपको 70% आएगा तो आपको अच्छा नौकरी मिलेगा या आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका नॉलेज है वो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू फेस करना होता है और इंटरव्यू के थ्रू आप अगर इंटरव्यू में पास होते हैं उसमें कैटेगराइज कोई नहीं होता है, नो जनरल नो ओबीसी नो एसटी। तो पढ़ाई में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए? कोई आरक्षण नहीं है जी। आपका नाम सर? मेरा नाम हुआ विकास कुमार, एज अ डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर पी।